नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कॉर्पियो एन के बेस मॉडल के बारे में। स्कॉर्पियो एन का बेस मॉडल अभी तक महिंद्रा ने कहीं भी डिस्प्ले के लिए नहीं बाहर निकाला है। जितनी भी वीडियोज़ अभी तक हमने देखी हैं, सारी टॉप मॉडल के ऊपर या कोई एक वेरियंट नीचे, लगभग ज़्यादातर तो हमने टॉप मॉडल के बारे में ही बात करी है। तो इसमें हम करेंगे बेस मॉडल के बारे में बात। तो बेस मॉडल में सबसे पहले हम देख सकते हैं, सामने की सबसे बात करते हैं, काफ़ी चीज़ें मिसिंग लग रही हैं, तो जो मेन चीज़ें उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो ग्रिल है उस पर आपको कोई भी क्रोम ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। जो हेडलैम्प्स हैं वो भी आपको बेसिक मिलेंगे, जिसमें कोई भी DRL वगैरह की प्लेसमेंट नहीं है, और हेलोजन बल्ब मिल सकता है इसमें। नीचे आप फॉग लैम्प वाली जगह भी देख सकते हैं, वो भी ब्लैकआउट है, जिसमें ना कोई DRL है, जैसे C-type DRL था, या फिर ये सब चीज़ें मिसिंग है। उसके बाद बात करते हैं डोर्स की। तो डोर पे आप देख सकते हैं जो हैंडल्स हैं वो बॉडी कलर्ड नहीं हैं, ब्लैक में दिख रहे हैं। ऐसे ही आप साइड ORVM भी देख सकते हैं, उस पर इंडिकेटर की प्लेसमेंट ज़रूर है लेकिन वो बॉडी कलर्ड नहीं है, ब्लैक कलर्ड में है। उसके बाद जो मेन चीज़ दिख रही है वो दिख रही है रिम्स पे। आप देख सकते हैं 70 inches के स्टील रिम्स मिलेंगे इसमें आपको। उसके बाद जैसे टेल गेट पे आपको कोई भी वाइपर वगैरह नहीं मिलेगा। उसके बाद जो टॉप मॉडल में आपको रूफ रेल्स मिलती हैं वो भी आपको बेस मॉडल में नहीं मिलने वाली हैं। मेन जो एक्सटीरियर में थे यही चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, बेसिक सा मेन सेटअप देखने को मिलेगा जो है। उसके बाद इंटीरियर की बात करेंगे तो सेम तो नहीं, लेकिन उससे थोड़ा सा नीचे लेवल वाले स्टीरियो वगैरह मिल जाएंगे, सारे टच वाले सिस्टम मिलेंगे आपको। सीट्स की शायद क्वालिटी कम हो सकती है, लेकिन जहाँ तक अभी तक कोई डिस्प्ले में हमने कोई ऐसी गाड़ी देखी नहीं है जिससे हम करेक्टली कह पाएँ कि कैसी सीट्स आ रही हैं, क्या कुछ है। तो जैसे ही कोई भी नया बेस मॉडल मार्केट में आता है कहीं पे, तो उसके बाद हम उसकी वीडियो बनाएंगे बिल्कुल लाइव। अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि बेस मॉडल में ऐसा क्या देना चाहिए था या नहीं दिया। तो अपने रिव्यूज़ ज़रूर शेयर करना नीचे कमेंट्स में। थैंक यू।